ये पौधा जो आप देख रहे हो उसको कुरकुमा जिडुरिया कहते हैं और अंग्रेजी नाम है जिडुरी रूट। तो मैं इसके बारे में चर्चा कर बताऊंगा। इसे देखिए, इस पत्ते को बहुत सुंदर दिख रहा है और इसको हम संस्कृत में कर्चूर द्राविड़ कल्प कह, हिंदी में कचूर और काली हल्दी के नाम से जाना जाता है, मराठी में कचोरा। वैसे तो यह कचूर हल्दी की ही प्रजाति है, तीन चार प्रकार की होती है, लेकिन इसे मत समझ रहे सीरा है तो ये काली हल्दी करके, काली हल्दी अलग होती है लेकिन हिंदी भाषा में इसको काली हल्दी भी कहते हैं, कचूर भी कहते हैं। तो कचूर के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। यह कचूर कटु तिक्त उष्ण लघु तीक्ष्ण रक्तपित कारक वात कफ शामक दीपक रुचिकारक और सुगंधित होता है। यह कुष्ठरोग बवासीर व्रण श्वास खांसी गुलमरोग कृमि रोग गलगंड हिचकी पीला आम दोष पाच अजीर्ण और मिर्गी रोग आदि को यह पूर्ण ठीक करता है, उल्टी होते हुए उसको भी ठीक करता है। तो इसको ये है और इसमें एक कैंपर होता है यानी कपूर जैसे, इसकी इस कंद में खुशबू आती है। ये देखिए बड़ी सुंदर है, खूबसूरत है, पानी के छोटे छोटे फुहार पड़ चुके हैं। यहाँ पर है ये कचूर का पौधा और इसको इसकी कई एक आयुर्वेदिक प्रयोग है, जैसे हम दिखा बता रहे हैं आपको, इस ध्यान से सुनना। जैसे इसको अस्थमा हो तो इसकी छोटे छोटे टुकड़े करके अगर खाया जाए तो अस्थमा को ठीक करता है। यह पूर्ण रूप से आजमाई गई शर्तिया प्रयोग है। इसके कंद अंदर की तरफ होता है, ये इसके भी कंद में निकल रहा है। ये देखिए ये है इसके कंद, ये वाला, ये है इनका कंद, सफ़ेद सफ़ेद हुआ है। आपको समझ आ पाएगा या नहीं आ पाएगा लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला है इसका कंद में बड़ा सा। तो ऐसा इसका कंद है और इसके और लाभ है, जैसे नाड़ी व्रण में इसका स्वरस को सिंदूर में पकाकर सरसों तेल के साथ लगाने से नाड़ी को भी व्रण है जो उसको ठीक करता है। मुहासे में इसके कंद को पीस कर लगाने से मुहासे को भी ठीक करता है, इतनी पावरफुल है इसमें। और इसकी सुधा नाशक, अगर ज़्यादा सुधा हो तो इसका चूर्ण को पीस कर खाना चाहिए, भूख को भी ठीक करती है, भूख लगना आदि को, इसमें पावरफुल है कचूर। कचूर की औषधि खांसी में इसका जो कंद है उसको खाने से भी खांसी को ठीक करता है, लेकिन रेगुलर खाना पड़ता है, जल्दी आराम करता है श्वास खांस खांसी को। और इसकी जैसे उपदस है, हाइड्रोसिल में इसके कंद को पीस कर हल्का हल्का गुनगुना करके हाइड्रोसिल पर लगाने से हाइड्रोसिल को भी ठीक करता है, दिखने में साधारण है, अच्छी औषधि है।